कवि प्रदीप एक भारतीय कवि और गीतकार थे जो अपने देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों के लिए जाने जाते हैं, जो उन सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में लिखा गया था भारत चीन युद्ध के दौरान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। उन्हें पहली पहचान फिल्म बंधन के लिए उनके देशभक्तिपूर्ण गीतों से मिली। एक राष्ट्रवादी लेखक के रूप में उनका दर्ज भारत की पहली स्वर्ण जयंती हिट किस्मत में एक साहसी देशभक्ति गीत दूर हटो से ए दुनिया लिखने के लिए अमर हो गया, क्योंकि उन्हें तुरंत गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत होने के लिए मजबूर किया गया था। फिल्म की रिलीज ने ब्रिटिश सरकार को नाराज कर दिया। 5 दशकों के करियर में कवि प्रदीप ने लगभग 1700 गाने और लगभग 72 फिल्मों के गीतों सहित राष्ट्रवादी कविता लिखी, जिनमें फिल्म बंधन में चल चल रहे नौजवान और आओ बच्चे तुम्हें दिखाए जैसी हिट फिल्में शामिल है। फिल्म जागृति में दे दे हमें आज़ादी 1958 में HMV ने उनके गीतों के साथ 13 गानों का एक एल्बम जारी किया। उन्हें राष्ट्र कवि बनाया गया और उन्हें कवि प्रदीप के नाम से जाना जाने लगा। 1997 में उन्हें जीवन भर की उपलब्धि के लिए सिनेमा में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।